हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे लेसन टू स्क्रैच पार्ट वन फॉर क्लास सेवन्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ब्लॉक्स इन द स्क्रैच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड हाउ टू रिसाइज एडिट पेंट एंड चूज डिफरेंट कैरेक्टर्स मिंटू से स्प्राइट। ओके माई डियर स्टूडेंट, नाउ यू आर वॉचिंग ए इमेज ऑन योर स्क्रीन। कुछ याद आया? हाँ, ये है मिकी और माउस। अब मिकी माउस को बनाया कैसे जाता है, उनको डिज़ाइन कैसे किया जाता है और उनको एनिमेट कैसे किया जाता है स्क्रीन के ऊपर, तो ये सभी काम करने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? स्क्रैच। चलिए देखते हैं, आज इसका थ्योरेटिकल वर्जन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका प्रैक्टिकल वर्जन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोनेंट ऑफ द स्क्रैच स्क्रीन, कौन कौन से पार्ट होते हैं स्क्रीन के? देखिए, सबसे पहले जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें सबसे ज़रूरी है स्क्रीन के पार्ट का पता होना। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से टॉप ऑफ द पेज देर इज फाइल टूल बार। सभी जानते हो फाइल टूल बार हर विंडो में होता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। उसके बाद है ब्लॉक पेन, ये जो आपको दिख रहे हैं ब्लॉक पेन, हर ब्लॉक का कलर अलग होता है। उसके बाद है करंट स्प्राइट, जो जिसको हम क्लिक करते हैं वो करंट स्प्राइट। नीचे ब्लॉक प्लेट्स, जिस भी हम ब्लॉक को लेंगे उसकी प्लेट्स नीचे खुल जाएंगे, जिससे हम स्प्राइट की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बीच में ये प्रोग्रामिंग एरिया, जिसको हम स्प्राइट एरिया भी बोल सकते हैं, जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो इस एरिया के ऊपर करते हैं। अब राइट हैंड साइड में आ जाइए, सबसे ऊपर टूल बार, उसके बाद है स्प्राइट टूल बार, स्प्राइट को कंट्रोल करने का। उसके नीचे आपको ग्रीन और रेड कलर का फ्लैग दिखाई देगा। उसके नीचे स्टेज है और स्टेज के ऊपर जो करेक्टर्स को हम स्प्राइट बोलते हैं, और स्प्राइट को हम नीचे से लिस्ट से हम स्प्राइट ले सकते हैं, जो भी हमको लिस्ट चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ब्लॉक पेन? अब आपने ये नीचे वाले बॉटम ऑफ द पेज आप एक इमेज देख रहे हो, आपको यहाँ पर कुछ एक इसको देखकर कुछ याद आया? यस, कुछ पजल गेम टाइप। तो वो पजल गेम के जो अलग अलग पार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक्स। तो इसी तरह यहाँ पर भी ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि जब भी आप किसी स्टेज की या किसी स्प्राइट की प्रोग्रामिंग करो, मूवमेंट की प्रोग्रामिंग करो, आपको करने में उसको आसानी हो। हर ब्लॉक के ऊपर एक कमांड लगी हुई होती है जो स्प्राइट को कंट्रोल करती है। अब वो कौन सी कमांड होती है? मोशंस, मोशन कंट्रोल, मिंटू से आपको मूवमेंट कैसे देना है, उस मूवमेंट को कितने स्टेप तक चलाना है, उसकी लुक कैसी होगी, लुक्स, सेंसिंग, साउंड, ऑपरेटर, पेन एंड वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रिट एरिया। इन ऑर्डर टू क्रिएट द एनिमेट मूवी वी हैव फर्स्ट डिसाइड एंड राइट द स्क्रिप्ट इन द स्क्रैच। यहाँ पर हम पूरी स्क्रिप्ट को डिज़ाइन करते हैं, और ये स्क्रिप्ट कहाँ पर डिज़ाइन होती है? स्क्रिप्ट एरिया के ऊपर, जिसको हम एक किस्म से बीच में जो होती है उसको हम प्रोग्रामिंग विंडो भी बोल सकते हैं, जहाँ पर हम स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, कहानी को लिखते हैं ब्लॉक्स के थ्रू। नंबर तीन है स्टेज। स्टेज वो एरिया है जो आपका मेन करेक्टर जैसे मूवमेंट करेगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर जहां पर दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड स्टेज। अब ये देखिए, ये हम तरह तरह के ब्लॉक से हम इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है वी कैन चेंज द व्यू ऑफ द स्टेज बाय क्लिकिंग। हम यहाँ से उसके व्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट ग्रीन फ्लैग। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले भी, एक तरफ रेड है एक तरफ ग्रीन। ग्रीन फ्लैग का मीनिंग स्टार्ट द स्क्रिप्ट, और रेड बटन को अगर आप क्लिक कर देते हो तो वो वहीं पर रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है स्क्रिप्ट। स्प्राइट एरिया, ए स्प्राइट इज द स्मॉल ग्राफिक ऑब्जेक्ट डैट मूव इंडिपेंडेंटली अराउंड द स्टेज। स्प्राइट वो करेक्टर है जिसके ऊपर आप प्रोग्रामिंग करते हो, प्रोड्यूसिंग द एनिमेशन इफेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट ऑलवेज स्टार्ट विद द सिंगल कैट स्प्राइट। देखिए, बाय डिफॉल्ट जब भी आप प्रोजेक्ट खोलते हो वहाँ पर आपको एक कैट दिखाई देगी आपको स्टेज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड स्प्राइट। तो वर्किंग विद द स्प्राइट, पेंट ए न्यू स्प्राइट,
चूज एनी, आप वो उसको पेंट कर सकते हो या कोई नई स्प्राइट ले सकते हो उसकी जगह, कोई और आपको स्प्राइट चाहिए, गेट सरप्राइज स्प्राइट या कुछ और कहीं बाहर से आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। नाउ एडिटिंग स्प्राइट, एडिटिंग मीन्स आप उसको कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, साइज को बढ़ा सकते हो, साइज को घटा सकते हो और उसकी एक डुप्लीकेट स्लाइड भी ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस विंडो, जहाँ पर डुप्लीकेट, डिलीट, ग्रो स्प्राइट, श्रिंक स्प्राइट लिखा हुआ है। क्रिएटिंग ए कस्टम ऑफ ए स्प्राइट, कस्टम मीन्स आप अपने हिसाब से स्प्राइट को डिज़ाइन भी कर सकते हो। पेंट, इसके अंदर एक छोटा सा पेंट टूल खुल जाता है, वहाँ से अगर आपकी ड्राइंग बहुत बढ़िया है तो आप उसको अपने हिसाब से पेंट भी कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। करंट स्प्राइट इंफॉर्मेशन, ये आपको करंट स्प्राइट की पोजीशन बताता है स्क्रीन के ऊपर कहाँ पर है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के साथ। डायरेक्शन, अब वो सारा का सारा पार्ट उसी का है कोऑर्डिनेशन का, डायरेक्शन, लुक स्टेज, रोटेशन ऑफ द स्टेज, ये सभी हम अपनी अलग अलग कंट्रोल पैनल से इसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद है स्प्राइट लिस्ट, द स्प्राइट लिस्ट डिस्प्ले द थंबनेल, ये हमें हमें छोटे छोटे आइकन्स पैराग्राफिक पिक्चर दिखाता है कि जो भी हम पिक्चर लेना चाहे, जो भी हम स्प्राइट लेना चाहे, आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कोई मॉन्स्टर लेना है, स्पाइडर लेना है, कैट लेनी है, बनानास लेना है, फिश लेनी है, कोई बिल्डिंग लेनी है, या आप इम्पोर्ट करना चाहो इम्पोर्ट कर सकते हो, या आपने जो पेंट की हुई है उसको यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड, अब देखिए जब भी आप मिकी माउस देखते हो या कुछ भी देखते हो, उसका बैकग्राउंड हर पोजीशन के हिसाब से, हर एक एनिमेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है, तो आप हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, सिंगल बैकग्राउंड ले सकते हैं या कुछ अलग ले सकते हैं जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहले स्प्राइट को बनाते कैसे हैं, एनिमेट कैसे करते हैं, उसके बाद हम बैकग्राउंड लेना भी सीखेंगे। नाउ जब हमारा सारा काम हो जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। सिंपल वही तरीका है जो हर विंडो के अंदर करते हैं, फाइल मेन्यू पे जाना है, सेव एज पे जाना है, फाइल का नाम देना है और उसको सेव कर देना है। उसके बाद हमारा सेव हो जाएगा ओपनिंग प्रोजेक्ट, उसकी प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, वही पहले वाली, फाइल के अंदर जाना है, ओपन ऑप्शन के अंदर जाना है, जो भी आपने पहले प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है, वो आपका प्रोजेक्ट जो है खुल जाएगा। नाउ ये असाइनमेंट वर्क अभी नहीं करना है आपको, जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद में ये आपको प्रैक्टिकल, इन असाइनमेंट का आपको प्रैक्टिकल करना है और ये आपको अभी करना है जो सेकंड नंबर पे असाइनमेंट है, क्योंकि मैं लेसन में बता चुका हूँ एडिट बटन से क्या होता है, कॉपी बटन से क्या होता है, एक्स बटन से क्या होता है, डुप्लीकेट, डिलीट, ग्रो, श्रिंक क्या मीनिंग है इन सभी का, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ यू विल रीनेम ए कस्टम, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, व्हाट हैपन व्हेन यू ड्रैग, ये अभी प्रैक्टिकल का पार्ट है, 7th वाला आपको छोड़ देना है। ओके, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।